Today we are going to start the chapter 5 in English grammar, that is nouns, male and female. First look these pictures. I'm going to read their name loudly. King, grandfather, rooster, queen, grandmother, hen. After reading this, पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट मेल एंड फीमेल इज गिवन. ठीक है, दैट किंग इज़ अ मेल, क्वीन इज़ अ फीमेल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, रूस्टर इज अ मेल कॉक एंड हेन. ओके, ठीक, यू हैव लर्न. ठीक है, यू हैव लर्न दैट नाउन. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द नाउन. ठीक है, तो नाउन कैन बी कैन हैव अ मेल और फीमेल फॉर्म. ठीक है, नाउन कैन हैव अ मेल एज वेल एज फीमेल फॉर्म. ठीक है, द नाउन्स किंग, ग्रैंडफादर, रूस्टर आर मेल. दीज आर द मेल. ठीक है, दीज पिक्चर किंग, ग्रैंडफादर एंड रूस्टर आर द मेल. एंड the nouns queen, grandmother and hen are female. Okay, the names that refers to the male animal. ऐसे नाम जो male animal को refer करते हैं या किसी male peoples को refer करते हैं are called male noun. उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, male noun. For example, अगर example की बात करें तो brother, tiger, bull, etc. These are the मेल नाउन्स. ठीक है, द नेम दैट रिफर्स टू द फीमेल एनिमल. ठीक है, ऐसे नेम जो फीमेल एनिमल्स को रिफर करते हैं या फीमेल पीपल को रिफर करते हैं आर कॉल्ड फीमेल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर, टाइग्रेस, काउ, एक्सेट्रा. यू हैव अंडरस्टैंड ना वट इज मेल एंड फीमेल. मेल द नेम दैट रिफर्स टू द मेल एनिमल एंड द फीमेल दैट रिफर्स टू द फीमेल एनिमल और एंड अ पीपल. ठीक है, सो देयर हियर इट इज गिवन अ सम मेल एंड फीमेल. रीड दिस टेबल फॉर मोर मेल एंड फीमेल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंस, प्रिंसेस, नेफ्यू, नीज, अंकल, आंटी एंड सो ऑन. यू रीड बाय yourself. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू अ एक्सरसाइज, अ वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट. रीड दीज नाउन्स, राइट इफ दे आर मेल. ठीक है, राइट आफ्टर रीडिंग यू हैव टू राइट इफ इट इज मेल एम और फीमेल एफ. ठीक है, अगर मेल होगा तो हमें एम लिखना, अगर फीमेल होगा तो एम एफ लिखना है. ठीक है, पुलिसमैन, पुलिसमैन इज मेल और फीमेल. ठीक है, पुलिसमैन, मैन इज अ मेल. गूज, इट्स अ फीमेल. बुल, इट इज अ मेल. ठीक है, बुल इज अ मेल. नेफ्यू, मेल. ब्रदर इज ऑल्सो अ मेल. ठीक है, ब्राइट, इट्स अ फीमेल. मॉन्क, इट्स अ मेल. ठीक है, काउंटेस, काउंट्रेस, फीमेल. सो, फीमेल. So female. And the next one, what is the next one? That is vixen. Vixen is the female, female of fox. Moving towards the next exercise, that is match each male noun with the correct female noun. ठीक है, you have to match that male with the female. Male को female से match कर. जैसे brother का, what is a brother? Then sister. ठीक है, brother, sister. Drake, duck. Drake, duck. Xander, that is a goose. Actor, actress. Bridegroom, that is a bride. Uncle, that is a auntie. Uncle, aunt. Tiger, tigress. Monk, nun. Fox, vixen. King, you all know, that is queen. Next, this you have to do by yourself and two I have done for you all. ठीक है,
चेंज द मेल नाउन टू फीमेल नाउन. ठीक है, यू हैव टू चेंज अ मेल नाउन टू फीमेल नाउन एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स दैट इफ देयर इज अ फीमेल यू हैव टू चेंज इन टू द मेल. ठीक है, मेल को फीमेल में चेंज करता है. अगर फीमेल होगा तो यू हैव टू चेंज इन टू मेल टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड. यू हैव टू कंप्लीट दिस क्रॉस वर्ड. फर्स्ट इज अ बुल. Bull is a male. What is a female of bull? That is a cow. C-O-W. Second, waitress. That is a female. That is a female. And what is a male? Waiter. V-A-I-T-E-R. Tiger. Tigress. Okay? Wife. And male is husband. Okay? Nephew. Niece. Lioness. Lion. Okay? You have to fill in this by yourself. This is a just a work for you to do. Next exercise, read these sentences. ठीक है, read these sentences, change the female noun to a male noun. ठीक है, after reading the sentences, आपको sentence पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको female noun को male noun में change करना है. ठीक है, जैसे my mother has two sister. तो मदर इज़ अ फीमेल एंड सिस्टर इज ऑल्सो फीमेल. ठीक है, यू हैव टू चेंज. माई फादर हैज़ टू ब्रदर्स. ठीक है, द हेड मिस्ट्रेस ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. हमारी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, जो हमारी हेड मास्टर मिस्ट्रेस हैं हमारे स्कूल की, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. तो यू हैव टू चेंज इन मेल. आपको मेल में बद तो हेड मिस्ट्रेस की बजाय हेड मास्टर हो जाएगा. जो हमारे स्कूल के हेड मास्टर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है. द हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. द क्वीन ऑफ द कंट्री इज़ वेरी काइंड. तो मतलब हमारी कंट्री की जो रानी है वो बहुत दयालु है. तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, द किंग ऑफ द कंट्री इज़ वेरी काइंड. ठीक है, द ग्रैंड मदर गोज़ फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग. जो ग्रैंड मदर हैं वो डेली वॉक करने के लिए मॉर्निंग में जाती हैं. तो इसका अगर हम मेल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, द ग्रैंड फादर गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. ठीक है, दीज फोर आई हैव एक्सप्लेन यू एंड रेस्ट of these you have to do by yourself. Next exercise, change the noun in the color. Change the nouns in a color from male to female or from female to male. ठीक है, अगर male में है तो आपको female में करना, अगर female में है तो आपको male में करना है. सिर्फ जो word colored हैं, ठीक है, then you have to rewrite the sentence. ठीक है, the head mistress called the students to the office. तो आंसर क्या होगा, अपोजिट हेड मिस्ट्रेस तो फीमेल है तो आपको मेल में करना पड़ेगा. द हेड मास्टर कॉल द स्टूडेंट टू द ऑफिस. द मैन क्लाइम द लैडर टू सिक्योर द किटन. ठीक है, तो मैन का मैन हो जाएगा, मैन क्लाइम द लैडर. ठीक है, तो द मैन क्लाइम द लैडर टू सिक्योर द किटन. आई विल रिक्वेस्ट माई अंकल टू बाय मी द स्टोरी बुक. ठीक है, तो अंकल का अपोजिट आंटी. आई विल रिक्वेस्ट माई आंटी टू बाय मी द स्टोरी बुक. द प्रिंस रॉट अ पोएम विच बिकम वेरी पॉपुलर. ठीक है, द अपोजिट ऑफ प्रिंसेस. द प्रिंसेस रॉट अ पोएम विच बिकम वेरी पॉपुलर. प्रिंसेस ने जो पोएम लिखी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई. द मेयर इन द स्टेबल वॉज अफ्रेड ऑफ द स्ट्रोम. तो मेयर का पुर स्टेलॉन. द स्टेलॉन इन द स्टेबल वॉज अफ्रेड ऑफ द स्ट्रोम. द ब्राइड ग्रूम फर्निश्ड हिज डिनर बिफोर द सेरेमनी. ठीक है, द ब्राइड ग्रूम फिनिश्ड हिज डिनर बिफोर द सेरेमनी. ठीक है, तो ब्राइड ग्रूम दैट इज ब्राइट. ठीक है, द ब्राइड फिनिश हिज डिनर बिफोर द सेरेमनी. ठीक है, अवर लैंडलॉर्ड हैज डिसाइडेड टू सेल द हाउस. ठीक है, तो लैंडलॉर्ड अपोजिट इज लैंडलेडी. अवर लैंडलेडी हैज डिसाइडेड टू सेल अ हाउस. ठीक है, रेस्ट फोर यू डू बाय योरसेल्फ. ठीक है, टू आई हैव डन बट थ्री ऑफ यू डू बाय योरसेल्फ.